मंगला ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां। रेवाड़ी मंडल अध्यक्ष दीपक मंगला ने जिला कार्यकारिणी बैठक में सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं कार्यकारिणी सदस्य जसवंत सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों एवं योजनाओं को घर घर पहुंचाने और उनका लाभ उठाने के लिए लोगों को प्रेरित एवं समझाया जाएगा ताकि आम आदमी इन योजनाओं से लाभान्वित हो सके। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर नगर परिषद चेयरमैन पूनम यादव, नीतू चौधरी, कृपा जैमिनी, रोशन लाल और गिरीश सिंगला सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद थे। देखो, आज पार्टी की तरफ से मंडल लेवल पे ये कार्यक्रम है और इसमें सभी दूसरे नेताओं की भी ड्यूटी लगी हुई है, मेरी भी यहाँ आज ड्यूटी लगी ताकि मैं जो केंद्र सरकार के जो काम है, केंद्र सरकार जो उपलब्धि है वो अपने कार्यकर्ताओं को बताऊं ताकि कार्यकर्ता अपनी बात को आगे भी मजबूती के साथ रख सके और उनको पता हो कि क्या क्या जो केंद्र सरकार की जो 7 साल की जो उपलब्धि है वो क्या क्या रही, वो मैंने कार्यकर्ताओं से आज शेयर की ये बातें ताकि कार्यकर्ता अपनी बातों को लेके फील्ड में जाए और फील्ड में मजबूती के साथ अपनी बात को रख सके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पार्टी के संगठन के काम है, पार्टी के संगठन है। पहले स्टेट लेवल पर मीटिंग हुई, फिर उसके बाद जिले की मीटिंग हुई, अब मंडल लेवल पर मीटिंग है, फिर ग्राम लेवल पर होगी। ये पार्टी का प्रोसेस है, पार्टी की काम करने का अपना स्टाइल है। आज मंडल लेवल पर है, फिर नीचे गांव लेवल पर जाएंगे। हमारी ये मंडल कार्यकारिणी की बैठक है, जैसा कि हमारी रीति नीति है, पत्ति है, ये बैठक हम पहले केंद्र सरकार के रूप में करते हैं। केंद्र सरकार बैठक करती है, फिर उसी पत्ती पर प्रदेश सरकार बैठक करती है, उसी पत्ती पर हम जिले की कार्यकारिणी की बैठक होती है और उसी के नीचे आखिरी कड़ी हमारी मंडल कार्यकारिणी की बैठक होती है। तो इस कड़ी को लेकर के हमने इस बैठक को रखा है कि जिससे हमारे कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिल सके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारी केंद्र सरकार की जानकारियां हैं वो हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक पहुंच जाए, प्रदेश सरकार की जो हमारी जानकारियां हैं बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक हमारी पहुंच जाए। हमारी इस रीति नीति को लेकर के हम इस बैठक को करते हैं कि जिससे हमारी जो हमारी संगठनात्मक चर्चा है, जो हमारा केंद्र सरकार की उपलब्धियाँ हैं, जो हमारी सेवा संस्थाएँ जो काम कर रही हैं, जो हमारा किसानों का जो हमारा बिल पास हुआ है उसके बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, हम इन सब चीज़ों को लेकर के ताकि किसी का भ्रम हो वो दूर हो जाए, किसान बिल को लेकर भी उसके भी बारे में हम बता रहे हैं। हाल में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई जसवंत सिंह जी यहाँ पर पहुँचे हैं, मैं इनका मौके पर आभार करता हूँ। हमारे बीच में नगर परिषद की चेयरमैन श्री पूनम यादव जी आई हैं, मैं इनका यहाँ मौके पर आभार करता हूँ। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में ही दीपक उषा आई जी आई हैं, मैं इनका यहाँ मौके पर जो जिले के सचिव भी हैं मैं इनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे मंडल की प्रभारी श्री दीपक भारद्वाज जी और आप सब मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे साथियों, जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, पत्रकार विचारता बंधुओं, मैं आपका यहाँ मौके पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जैसा कि हमारी नीति नीति रही है, पहले ये जो बैठक जो हमारे यहाँ मंडल कार्यकारिणी की बैठक होती है, ऐसी बैठक पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होती है, उसी के अनुसार प्रदेश कार्यकारिणी की होती है, जो अभी हमारे सुनील मुझे जी के स्कूल में हुई थी, ऐसी ही जिला कार्यकारिणी की होती है और उसी तर्ज पर चलते हुए ये बैठक आज मंडल कार्यकारिणी की हमारी हो रही है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि मंडल कार्यकारिणी की बैठक बहुत समय के बाद रिवाइज हो रही है, क्यों पहले कभी मुझे लगा नहीं, जिले की बैठक सदा होती रही, मंडल कार्यकारिणी की बहुत समय के बाद होती है। ये हमारी खुशकिस्मती है जो हमें ये समय मिला।